Hello students, this is video of standard first. It is our fourth chapter, Learn to Use Computer. ये हमारा first standard का video है और हमारा chapter number है fourth, Learn to Use Computer. Everyone know that how to work on computer. You work on computer when it is switched on. आप कंप्यूटर पर कब वर्क करते हो? जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर कंप्यूटर ऑन करके देते हैं, शुरू करके स्टार्ट करके देते हैं, तब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो. लेकिन इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न हाउ टू स्विच ऑन, हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर. इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. आप सभी को ये क्या देखना पड़ेगा है, सही सीखना है सबसे पहले कि आपने अभी तक कंप्यूटर को दूसरे किसी ने स्टार्ट करके दिया है, दूसरा कोई बंद करके देता है, तभी आप उस पर काम करते हो. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना आना चाहिए और उसके साथ ही उसे क्लोज करना, शट डाउन करना भी आना चाहिए. ये कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. लेट अस लर्न हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर. स्विच ऑन करना, स्टार्ट करना, ये सेम मीनिंग है. तो सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग द कंप्यूटर. तो उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट स्टार्टिंग द कंप्यूटर. फर्स्ट स्टेप इज अ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन. स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन. मेन पावर सप्लाई बटन मीन्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जहां से आप लाइट का स्विच ऑन और ऑफ का बटन होता है, वहां पर आपको सबसे पहले बटन को स्टार्ट करना है, उस पर आपको उसे ऑन करना है. क्या ऑन करना है? मेन पावर सप्लाई बटन सबसे पहले आपको ऑन करना है. देन सेकेंड है स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द यूपीएस. यूपीएस क्या है, मैंने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स में बताया था. व्हाट इज अ यूपीएस? यूपीएस इज अ बैकअप डिवाइस. मीन्स आपकी जब लाइट चली जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, आफ्टर दैट अ फ्यू सेकेंड्स यूर कंप्यूटर मेक ऑन. आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए एक यूपीएस डिवाइस क्या करता है, ऑन रखता है. हमारे लैब में यूपीएस डिवाइस, ये सभी को मैंने दिखाया है. सो यूपीएस जो डिवाइस है उसको आपको क्या करना है, उस पर जो पहले बटन होता है उसको आपको ऑन करना है. स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द यूपीएस का ये बटन आपको ऑन करना है. देन थर्ड स्टेप इज अ स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स वहीं पर नीचे होता है. सीपीयू बॉक्स लुक लाइक अ मेटल बॉक्स. सीपीयू बॉक्स एक बड़ा वाला मेटल बॉक्स होता है और उस पर एक पावर बटन होता है, वो बटन आपको ऑन करना पड़ता है. स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स. आफ्टर दैट इट इज अ फोर्थ स्टेप, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर. इसके बाद पर मॉनिटर पर डाउन साइड राइट साइड में एक पावर बटन होता है, वो मॉनिटर का पावर बटन आपको ऑन करना पड़ता है. उस ये ऑन करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है, जब तक मॉनिटर पर स्क्रीन अपीयर नहीं होती है. वेट फॉर सम टाइम अंटिल योर स्क्रीन नॉट अपीयर. जब तक आपकी स्क्रीन अपीयर नहीं होती तब तक आपको कुछ सेकेंड के लिए रुकना पड़ता है. उस रुकने के बाद यहाँ तक आपको सभी को एक पॉइंट समझ में आ गए, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं. हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर? हाउ मेनी दीज आर? फोर. कितने हैं ये स्टेप्स? 1, 2, 3, 4. दिस फोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर शुरू करने के लिए कितने स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं? दिस फोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. अब मैंने लास्ट में क्या बताया था, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, जब तक आपकी स्क्रीन आपको मॉनिटर स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देती तब तक आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है. उसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है? डेस्कटॉप. व्हाट इज अ डेस्कटॉप? द स्क्रीन अपीयर व्हेन द कंप्यूटर स्टार्टिंग.
कंप्यूटर स्टार्ट है तब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब तक जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं इट इज द व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट द स्क्रीन अपीयर ऑन द बैकग्राउंड इट इज अ डेस्कटॉप उसके मॉनिटर के स्क्रीन पर जो भी कुछ स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप दिखाई देने के बाद उसके साथ ही एक तीन ऑप्शन से तीन बटन आपको दिखाई देंगे वो कौन से है फर्स्ट है आइकॉन्स द स्मॉल पिक्चर्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स तो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड में होते हैं छोटे छोटे स्क्वेयर में होते हैं और उसमें पिक्चर्स होता है और उसके नीचे लिखा होता है उसे क्या कहे उस फोल्डर के फाइल का नेम लिखा होता है उस आइकॉन का नेम लिखा होता है तो उसे क्या कहते हैं आइकॉन्स कहते हैं दिस स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन्स जो डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं देन सेकेंड इज द टास्क बार द थिन बार बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप आर इज कॉल्ड टास्क बार क्या क्या टास्क बार किसे कहते हैं द थिन बार एक छोटा बार होता है एंड इट इज द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप एक डेस्कटॉप के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं टास्क बार कहते हैं आप सभी को वो नीचे वाला बार दिखाई देता है वहां पर कुछ कुछ लिखा होता है कुछ कुछ बटन होते हैं तो वो कौन से बटन होता है सबसे पहला कौन सा बटन होता है इट इज अ स्टार्ट बटन थर्ड है हमारा पॉइंट स्टार्ट बटन द स्टार्ट बटन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार कहां पर होता है स्टार्ट बटन इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार के लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट बटन होता है उसके साथ ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक बटन होता है जो भी कुछ आपने विंडोज ओपन की है वो मिनिमाइज की और टास्क बार ही पर की जाती है उसके साथ ही राइट साइड में क्या दिखाई देता है डेट एंड टाइम हमने प्रोजेक्टर लैब में देखा है ताकि कैसे डेट ऑफ टाइम हम वहां जाकर सेट करते हैं तो स्टार्ट ऑफ डेट ऑफ टाइम कहाँ पर होते हैं इट इज द राइट साइड ऑफ द टास्क बार के राइट साइड में डेट एंड टाइम होता है तो लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है ओके ये हो गया डेस्कटॉप के ओपन होने के बाद जो आपको मॉनिटर स्क्रीन दिखाई देती है उसके बाद में कौन से ऐप फर्स्ट टाइम में आपको ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं उसके बारे में अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आफ्टर दैट यहाँ पर क्या हो गया हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर उसके बाद में अगर आपने एक बार वो कंप्यूटर स्टार्ट किया है तो आपका आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क आपका कंप्लीट वर्क होने के बाद जो भी कुछ टास्क आप कंप्लीट करोगे तो उसके साथ ही आपको वो शटडाउन करना भी जरूरी है ना तो हाउ टू शटडाउन इट हाउ टू स्विच ऑफ इट तो आपको कंप्यूटर कैसे शटडाउन करना है कैसे स्विच ऑफ करना है इसके बारे में हम देखने वाले हैं तो कभी भी आप घर से भी जब घर पर आते हो तो आपको क्या करते हो लाइट ऑन ऑफ करते हो ना जब आपने ऑन किया है तो उसको प्रॉपरली ऑन ऑफ भी करना जरूरी है ना वैसे ही कंप्यूटर का है जब आपने उसे ऑन किया है तो इसे प्रॉपर मैनर से एक करेक्ट वे से आपको उसे शटडाउन भी क्लोज करना भी आना चाहिए तो उसके लिए भी स्टेप्स है वो कौन से स्टेप्स है वो उसके बारे में हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्लिक स्टार्ट बटन आपको क्या करना है वेर इट इज स्टार्ट बटन अभी मैंने बताया था वो स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है इट इज ऑन टास्क बार पर लेफ्ट साइड में जो स्टार्ट बटन होता है उसको आप सबको सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक स्टार्ट बटन सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है देन स्टार्ट मेनू अपीयर उस स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करने के बाद जो स्टार्ट बटन के जो मेनू होते हैं वो सभी अपीयर होते हैं दिखाई देते हैं आफ्टर दैट क्लिक ऑन द पावर ऑप्शन आपको क्या करना है एक बार स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर उसके ऊपर उसके मेनू अपीयर होते हैं वहां पर पावर ऑप्शन होता है विच ऑप्शन पावर ऑप्शन होता है तो वहां जाकर आपको उसे क्लिक करना है वो पावर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और उसके पावर ऑप्शन के मेनू अपीयर होते हैं आफ्टर दैट क्लिक शटडाउन ऑप्शन वो आपको क्या करना है वहां पर पावर ऑप्शन क्लिक करने के बाद कौन सा ऑप्शन अपीयर होता है शटडाउन ऑप्शन तो शटडाउन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है किसी किसी वर्जन पर डिपेंड होता है आपका विंडोज 7 है विंडोज 10 है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि पावर आफ्टर पावर बटन क्लिकिंग शटडाउन ऑप्शन आता है अदरवाइज किसी किसी डेस्कटॉप पर टर्न ऑफ ऑप्शन आता है शटडाउन ऑप्शन एंड टर्न ऑफ ऑप्शन दीज आर
सेम मीनिंग, ये टू वर्ड्स के लिए सेम मीनिंग के लिए है. तो शटडाउन करने के बाद स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, जो मॉनिटर पर पावर बटन था वो उस पर आपको उसे ऑफ करना है. स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पर जहां पर स्विच ऑफ बटन होता है पावर का उसे आपको स्विच ऑफ करना है. आफ्टर दैट स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द यूपीएस, जो बैकअप डिवाइस है यूपीएस उसका जो भी बटन आपने ऑन किया है उसे ऑफ करना होता है. स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द यूपीएस. लास्ट स्टेप है, जो यूपीएस वगैरह आप डिवाइसेस आप ऑफ करोगे उसके लास्ट का स्टेप है स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन. आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करना है पावर सप्लाई का. पावर सप्लाई का मतलब मीन्स जहाँ से डेस्कटॉप को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बटन आपने ऑन किया है लास्ट में उसे आपको ऑफ करना ही होता है. आपको ऑफ करने के बाद एक प्रॉपर मैनर से आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है. हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू शटिंग डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर करने के लिए कितने स्टेप्स है, यहाँ पर 6 स्टेप्स है. स्टार्ट करने के लिए कितने स्टेप्स मैंने बताए थे, 4 स्टेप्स बताए थे. और शट डाउन करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप अगर का है स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हुए आपने अगर स्टेप्स भी काउंट किए ना तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने स्टेप्स होते हैं और स्टार्ट करने के लिए और कितने स्टेप ऑफ करने के लिए नेसेसरी होते हैं. तो आपने देखा जो स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स थे, सबसे पहला कौन सा था, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई बटन था वो ऑन करना पड़ता था तो कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए एंड में वो बटन आ गया है, स्टेप आ गई टू शट डाउन करने के लिए स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन. तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, स्टार्ट आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का पावर बटन ऑन किया है तो एंड में जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो तो एंड में कौन सी स्टेप आनी चाहिए, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन. तो स्टार्ट करने के लिए और शट डाउन करने के लिए ये जो स्टेप्स है आप सभी को क्या करनी है, लर्न करनी है, अंडरस्टैंड करनी है. आप जब ठीक से ये स्टेप्स समझ में आपको आ जाएंगे तो आप कंप्यूटर सिस्टम अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हो. अगर आपने कंप्यूटर के ये स्टार्ट करने के और स्विच ऑफ करने के स्टेप्स प्रॉपरली यूज नहीं किए तो इट इज हार्मफुल फॉर योर मशीन, ये आपके मशीन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. अगर आपने डायरेक्टली आपके कंप्यूटर का जो मेन पावर बटन होता है ऑन कहे ऑफ करने के लिए आपने उस पर ही डायरेक्टली क्लिक किया, आपने उसे ही डायरेक्टली ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा. जो भी आपने उस पर टास्क किया है, जो भी आपने फाइल्स वगैरह उसमें स्टोर की है वो भी डैमेज हो सकती है, करप्ट हो सकती है. इसलिए सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर हैंडल करोगे, आप जब भी कंप्यूटर पर वर्क करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी होती है, टू लर्न हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. आपको हाउ टू ऑन द कंप्यूटर, स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ये दोनों बातें आपको आनी ही चाहिए. अगर ये दोनों बातें आपको आती है तो जो भी आप कंप्यूटर पर वर्क करोगे आपका मशीन, कंप्यूटर मशीन कभी भी खराब नहीं होगी, कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है. लेकिन आपने अगर डायरेक्टली कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो इट इज अ हार्मफुल टू योर मशीन. इसलिए तो उसे यूपीएस बैकअप डिवाइस दिया जाता है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती है. हमने आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको ले जाती हूँ कभी कभी लाइट चली जाती है, लेकिन जो भी यूपीएस मशीन होता है उसे हमारा वर्क सेव किया जाता है, जो भी आप टास्क कर रहे हो वो सेव किया जाता है और उसके साथ ही जब तक मैं शट डाउन करती हूँ तब तक वो बैकअप डिवाइस हमारी हेल्प करता है. और अब प्रॉपर मैनर से शट डाउन कंप्यूटर करते हैं. जब तक लाइट चले जाने के बाद वो यूपीएस डिवाइस से आवाज आने लगती है, टिक टिक आवाज आने लगती है ना, तभी हमें पता चलता है कि लाइट चली गई है, अब हमें प्रॉपर मैनर से कंप्यूटर शट डाउन करना है. ये हो गया कंप्यूटर शट डाउन कैसे, कौन सा कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे शट डाउन करते हैं उसके बारे में पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर अब क्लियर हो चुके हैं. अब ये हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, उसको लाइट की जरूरत होती है. तो दूसरा एक कंप्यूटर है टच स्क्रीन कंप्यूटर, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आज अब जो भी डेवलप किए गए हैं टच स्क्रीन
कंप्यूटर टच स्क्रीन कंप्यूटर हाउ टू हैंडल इट, उन्हें हम फिंगर से ऑपरेट करते हैं, उसके लिए कीबोर्ड की माउस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे हम कैसे ऑपरेट करते हैं, यूजिंग फिंगर्स। तो हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द टैबलेट, टैबलेट क्या होता है, इट इज अ टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है। तो टच स्क्रीन कंप्यूटर कैसे स्विच ऑफ करते हैं और कैसे स्विच ऑन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, जो टैबलेट के स्क्रीन पर जो भी पावर बटन होता है उस पर आपको क्या करना पड़ता है, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है, और उसके भी सब मेनूज दिखाई देते हैं और वहां पर स्विच ऑन का ऑप्शन होता है। वैसे ही स्विच ऑफ करने के लिए भी आपको वही पावर बटन क्या करना पड़ता है, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है और उससे आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को, इट इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर के स्टेप्स है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो और कैसे शट डाउन करते हो, और टच स्क्रीन कंप्यूटर के भी कैसे आप स्टेप्स होते हैं कि आप फिंगर से ही उसे हैंडल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ओके, अब ये हमारा लेसन यहीं पर, ये जो पॉइंट्स है ये सभी यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ये उसमें कौन से पार्ट थे, स्टेप्स थे, स्टार्ट द कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं उसके बारे में अब हमने देखा, वैसे ही शट डाउन द कंप्यूटर कैसे बंद किया जाता है इसके बारे में हमने देखा। उसके साथ ही टच स्क्रीन जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट किए जाते हैं यूजिंग फिंगर्स, उसके बारे में भी अब हमने इस वीडियो में देखा है। इसके बाद मैं इस वीडियो के एक्सरसाइज, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, टेस्ट एंड एक्टिविटीज आपको सेंड करने वाली हूँ। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।